गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो उनको एनटीएससी और एसटीएससी में काम आएंगे और 10th के बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं ये क्वेश्चंस, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो 10th का पहला क्वेश्चन है कि मुख में किसका पाचन होता है, मुंह में किसका पाचन होता है। तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, CHO, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। दूसरा क्वेश्चन, लार में उपस्थित एंजाइम का क्या नाम है। तो लार में टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है या एमिलेज एंजाइम उपस्थित होता है। लार में कौन सा एंजाइम हुआ, टाइलिन या एमिलेज। क्वेश्चन नंबर 3, लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान 6.8 से 7.4 होता है। लार का पीएच मान कितना होगा, 6.8 से 7.4। क्वेश्चन नंबर 4, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। मानव में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, मुंह में लार ग्रंथियां कितनी होती हैं। तो मुंह में या मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अधोजिह्वा, अधोजम और कर्णपूर्ण लार ग्रंथियां मुख में उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अंत में निकलने वाला दांत कौन सा है। जो मानव के मुंह में सबसे अंत में जो निकलता है वह दांत है अक्कल दांत, जिसे विजडम टीथ कहते हैं, अक्कल दांत, इसे विजडम टीथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है। ध्यान देना, दांत का कठोर भाग एनामल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दांत का निर्माण किससे होता है। तो दांत का निर्माण दंत कोशिकाओं से होता है, दंत कोशिकाओं से दांत का निर्माण होता है, या यूं कहें ओडेंटो ब्लास्ट से दांत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो शरीर का सबसे कठोर भाग जबड़े होते हैं और जबड़ों में स्थित दांत होते हैं और दांत में एनिमल भाग सबसे कठोर होता है। ध्यान देना, शरीर का सबसे कठोर भाग जबड़े, जबड़ों में व्यवस्थित होंगे दांत और दांत में सबसे कठोर भाग होगा एनिमल, जो उसका सबसे ऊपरी वाला भाग, शिखर जो होगा दांत का वो सबसे कठोर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल की लंबाई 8 से 9 मीटर होती है। रिपीट अगेन, आहार नाल की लंबाई 8 से 9 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, HCl का क्या कार्य है। HCl क्या करता है शरीर में। तो HCl भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाना। और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का पाचन आमाशय में होता है, भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का पाचन आमाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, HCl का पीएच मान कितना होता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। तो HCl का पीएच मान 1.2 से 2 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, आमाशय में उपस्थित एंजाइम्स कौन कौन से हैं। तो आमाशय में रेनिन होगा,
पेप्सिन होगा और HCl होगा। तो आमाशय में एंजाइम्स कौन कौन से होंगे? रेनिन, पेप्सिन और HCl। क्वेश्चन नंबर 16 है, जठर रस किन से निर्मित होता है? तो जठर रस रेनिन से, पेप्सिन से और HCl से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर का अवशेषी अंग है या यूं कहा जाए कि शरीर का कोई एक अवशेषी अंग का नाम बताइए। तो शरीर का अवशेषी अंग है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन है 18वां, भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन व अवशोषण ग्रहणी में होता है। भोजन का पाचन व अवशोषण ग्रहणी में होता है। अगला क्वेश्चन है 19वां, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन या एचबी के कारण होता है। क्वेश्चन संख्या 22, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त मापन यंत्र है, रक्त को किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त को हीमेटोसाइटोमीटर से मापा जाता है। हीमेटोसाइटोमीटर से रक्त को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 25, कुल शरीर का कितना प्रतिशत रुधिर होता है? तो कुल शरीर का लगभग 7% रुधिर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त का स्वाद कैसा होता है? तो रक्त का स्वाद लवणीय होता है और ये लवणीय स्वाद रक्त में NaCl की उपस्थिति के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण रक्त का स्वाद लवणीय होता है। क्वेश्चन नंबर 27, रक्त में HB क्या है? तो रक्त में HB क्या है? तो रक्त में HB एक श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक HB के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है और ये जो HB जो है रक्त में एक श्वसन वर्णक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल 20 से 120 दिनों तक का होता है। क्वेश्चन अगला, किस कणिका में केंद्रक नहीं होता? तो RBC जो कणिकाएं हैं उनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, जिसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है क्योंकि यह है अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है 31वां, पित्तरस का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो पित्तरस का श्रावण यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, पित्तरस का भंडारण कहाँ होता है? तो पित्तरस का भंडारण पित्ताशय में होता है।
पितरस का भंडारण पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन 33वां, अग्नाशय रस कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय रस अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय रस का श्रावण अग्नाशय से होगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन लगभग 1200 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फेफड़ों का वजन कितना होता है? तो फेफड़ों का वजन, एक फेफड़े का वजन लगभग 450 ग्राम होता है, तो दोनों फेफड़ों का वजन लगभग 900 ग्राम के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़े किस रंग के होते हैं? तो फेफड़े गुलाबी रंग के होते हैं, फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है और ये स्पंज के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में वायु कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो फेफड़ों में वायु कुपिकाओं की संख्या लगभग 60 करोड़ तक होती है, फेफड़ों में वायु कुपिकाओं की संख्या 60 करोड़ होती है। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं या पसलियों के बीच में स्थित होते हैं, डायफ्राम के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन सतह किसे कहा जाता है? तो श्वसन सतह वायु कुपिकाओं को कहा जाता है, वायु कुपिकाएं जो हैं वो श्वसन का कार्य करती हैं, श्वसन का विनिमय का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में पिंडों की संख्या कितनी होती है? कि फेफड़ों में पिंडों की संख्या 5 होती है, दोनों फेफड़ों में पिंडों की संख्या 5 होती है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का वजन लगभग 250 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है, शरीर में अलग अलग होता है शरीर की संरचना के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो हृदय की उत्पत्ति भ्रूणीय काल में मिजोडम से होती है, हृदय की उत्पत्ति मिजोडम से होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो एक मिनट में हृदय लगभग 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में हृदय जो है कितना रुधिर पंप कर देता है हमारे शरीर में? तो एक दिन में हृदय लगभग 7600 लीटर रुधिर पंप कर देता है, 7600 लीटर रुधिर पंप कर देता है हृदय एक दिन में। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? हृदय को कितने चैंबर्स हो गए हृदय के अंदर? हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। अगला क्वेश्चन, हृदय का आमाप कितना होता है? तो हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? मतलब रुधिर शुद्ध कहाँ होता है? तो रुधिर शुद्ध फेफड़ों में होता है। और रुधिर क्षमता कहाँ है? तो रुधिर किडनी में क्षमता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो सबसे बड़ी सिरा निम्न महासिरा है, निम्न महासिरा सबसे बड़ी सिरा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो रुधिर में प्लाज्मा 55 से 60% होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन अंग है, मतलब मनुष्य में श्वसन का कार्य किन अंगों के द्वारा होता है? तो मानव में श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, या यूं कहें कि मानव में श्वसन का कार्य फेफड़ों द्वारा किया जाता है, इसलिए मानव में श्वसन अंग क्या होंगे? फेफड़े। अगला क्वेश्चन है कि वायु कुपिकाओं का व्यास कितना होता है? तो वायु कुपिकाएं जो है लगभग 0.2 μm तक की होती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऊर्जा किस रूप में होती है? तो शरीर में ऊर्जा ATP के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, जिन्होंने मृत कोशिकाओं के बारे में हमें बताया था। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 19वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट में रुधिर की कितनी मात्रा होती है? तो एक यूनिट में रुधिर लगभग 350 ml होता है, एक यूनिट में रुधिर 350 ml होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त को कितने ताप पर इकट्ठा किया जाता है? तो रक्त को लगभग 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इकट्ठा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को कितने दिनों तक भंडारण कर सकते हैं? तो रक्त को लगभग 21 दिनों तक भंडारण किया जा सकता है रक्त का,
ये 10वीं क्लास के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एनटीएससी और एसटीएससी में आपके लिए इंपोर्टेंट साबित होंगे। धन्यवाद।